अमृतकाल का आह्वान है, उक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। नमस्ते, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। और ये संसद देश की जिस समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, भारत का कौशल विश्व भर से आने वाले यात्रियों को हैरान कर देता था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज मैं उपस्थित हूं एक ऐसी जगह पर जो आजाद भारत के स्वाभिमान का प्रतिनिधित्व करती है। मेरे दोनों तरफ ऐतिहासिक तस्वीर है। मेरे इस तरफ पुरानी संसद की वो तस्वीर है जो अब इतिहास के पन्नों का हिस्सा बन चुकी है, और मेरे इस तरफ नई संसद की वो तस्वीर है जो भविष्य की पीढ़ियों के स्वर्णिम इतिहास का गवाह बनेगी। लोकतंत्र का नया मंदिर आज देश को समर्पित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ लोकतंत्र के इस नए मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया, और साथ ही पीएम मोदी ने कहा, ये जो नई संसद है वो कोई भवन नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। नई संसद के इस उद्घाटन समारोह को भी बेहद खास बनाया गया। तो चलिए व्यक्ति विशेष में आज बात करते हैं नई संसद। इस अमृतकाल का आह्वान है, मुक्त मातृभूमि को भारत के लोगों ने, अपने लोकतंत्र को, संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। पीएम मोदी ने देश को नई संसद के रूप में लोकतंत्र का नया मंदिर देश को समर्पित कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी पूरे विधि विधान के साथ नई संसद का उद्घाटन किया। नया संसद भवन देश को समर्पित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान से नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नई संसद सिर्फ एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं उम्मीदों का प्रतिबिंब है। तकनीकी और प्रकृति को समेटे इस नई संसद में दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है। लोकार्पण के बाद पीएम मोदी नए संसद भवन में पहुंचे। उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के स्पीकर डॉक्टर हरिवंश भी मौजूद रहे। सबसे पहले पीएम मोदी ने संसद के बाहर गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। माननीय प्रधानमंत्री को देशपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा की ओर बढ़ते हैं और पुष्पांजलि अर्पित। उसके बाद भवन के अंदर लगे सभी महान विभूतियों को पुष्प चढ़ाया। साथ ही पीएम मोदी ने वीर सावरकर की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए। याद की जाती है, हम सबको प्रेरित करती हैं। जैसे ही पीएम मोदी नई संसद में प्रवेश किए, वहां मोदी मोदी की गूंज के साथ सभी सांसदों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी हाथ जोड़कर नई संसद में आए सभी मेहमानों का अभिवादन स्वीकार किया। इस अमृतकाल का आह्वान है, मुक्त मातृभूमि को
मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। आजादी की प्रतीक नई संसद अतुल्य भारत की अद्भुत कलाकृति है। इस भवन की देश दुनिया में तारीफ हो रही है। बेहद भव्य और शानदार होने के साथ साथ अब ये भारत की गौरवशाली संसदीय परंपरा का प्रमुख हिस्सा बन चुकी है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। आजादी के अमृतकाल में बने इस भवन का निर्माण देश की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। आज देश का हर नागरिक इस नई संसद को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। नई संसद भवन के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने नए भवन में आए मेहमानों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि नया निर्माण ही नया सृजन करता है। नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा, नए रास्ते गढ़ रहा है। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। करीब 60,000 श्रमिकों की कड़ी मेहनत से बने इस भवन के निर्माण को पीएम मोदी ने देश की तरक्की की उपलब्धि कहा। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। पीएम मोदी ने इस नई संसद को भारत के गौरवशाली परंपरा का प्रतीक बताया। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। जाहिर है नई संसद की खूबियां और तकनीकी देश की तरक्की का प्रतीक है। अब इस नए भवन की कार्यप्रणाली भी नई टेक्नोलॉजी के साथ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और मेरे ठीक पीछे आप इस वक्त नया संसद भवन देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त खूबसूरत लाइटिंग की गई है और इस लाइट इफेक्ट के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय ध्वज को भी यहां पर जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और उसके साथ ही संविधान की पुस्तक का जो कवर पेज है जिसके ऊपर लिखा रहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो बार बार यहां फ्लैश किया जा रहा है। नया संसद भवन न सिर्फ भारतीय कला बल्कि भारतीय परंपरा, उसका इतिहास और साथ ही हाई टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस है। एक दौर था जब एक विचारधारा के लोग कहा करते थे कि अंग्रेज इतना कुछ बना गए, भारतीयों ने क्या बनाया, उनके पास अपना क्या है। तो आजाद भारत के स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक यहाँ की संसद आज देश भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है।
नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक सेंगोल की भी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। तमिलनाडु से आए महंतों ने सेंगोल की विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा की और उसके बाद संसद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने इसको स्थापित किया। आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण से जब नया संसद भवन परिसर गूंज रहा था हर एक वो तस्वीर जब सुबह प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन पहुंचे। अपनी प्रगति के लिए अट्ठाईस मई का दिन भारत के इतिहास में दर्ज हो गया। देश को नई संसद की बड़ी सौगात मिल गई। रिकॉर्ड समय में बनी इस संसद को पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ देश को समर्पित किया। सुबह मोदी सबसे पहले पुरानी संसद पहुंचे, जहां गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और फिर निकल पड़े लोकतंत्र के नए मंदिर की ओर। माननीय प्रधानमंत्री ने देशपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा की ओर बढ़ रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। कदम ताल करते हुए पीएम मोदी पुरानी संसद से नई संसद की ओर जाने लगे। इस दौरान पूरे परिसर में संस्कृत मंत्रोच्चार हो रहा था। नारायण प्रिय अनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम कोविलूर आदीनम श्रीलश्री नारायणं स्वामी। पूजा स्थल पर पहुंचते ही पीएम मोदी ने तमिलनाडु से आए महंतों का अभिवादन किया और फिर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। सर्वजनानुरंजक निखिल प्रपंच आदर्श भूत अत्युत्कृष्ट परिपालना व्यवस्था सिद्ध्यर्थम तदर्थम अस्मिन् संसद भवने योग्य निर्णय करणार्थम निर्णीतानां कार्याणां सकल प्रतिबंधक निवृत्ति पूर्वकम सफलता सिद्ध्यर्थम सर्वत्र विजयार्थम। इसके बाद सेंगोल को साष्टांग प्रणाम किया। अभिवृद्ध्यर्थम समस्ताभ्युदयार्थम संसद भवन प्रवेशांगत्वेन कृतानां सुदर्शन होमा वास्तु होमादीनां अतिशय फल प्राप्त्यर्थम श्री महागणपति प्रीत्यर्थम श्री महागणपति होम पूर्णाहुतिम आचार्य मुखेन करिष्ये। धर्मपुरम आदीनम मदुरै आदीनम कुंड्रकुडी आदीनम पेरूर आदीनम। पीएम मोदी सेंगोल को प्रणाम करने के बाद साउथ से आए अधीनम यानी संतों से प्राण प्रतिष्ठित सेंगोल को हाथों में लिया। कोणरपदिकम सातवीं शतक में रहा संत एवं महात्मा त्रियान संबंधर माननीय प्रधानमंत्री और नए संसद भवन की ओर निकल पड़े। वैदिक विधि विधान से सेंगोल लेकर पीएम मोदी नई संसद में पहुंचे, जहां पहले से मौजूद महंतों ने पूजा अर्चना के बाद सेंगोल को नई सदन में स्थापित किया। इस दौरान नजारा भव्य और दिव्य दिखाई दे रहा था। सेंगोल स्थापना के समय पीएम मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। सेंगोल स्थापना के बाद पीएम मोदी ने दीप प्रज्वलित की, उसके बाद सभी संतों का आशीर्वाद लिया। फिर हाथ जोड़कर पूरे सदन का भ्रमण किया।
नए भवन से निकलने के बाद पीएम मोदी लोकार्पण स्थल पहुंचे और देश को नई संसद समर्पित कर दिया। देश को नई संसद सौंपने के बाद पीएम मोदी ने उन कारीगरों और श्रमिकों को सम्मानित किया जिन्होंने रिकॉर्ड समय में देश को नया भवन दे दिया। जल की व्यवस्था की। भाई राम मुर्मू जी झारखंड से हैं। पूरे कार्यकाल में इन्होंने स्वच्छता अभियान चलाए रखा। लोकार्पण समारोह में आमंत्रित देश के हर धर्म के संतों ने देश की सुख शांति की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ लोकतंत्र के नए मंदिर में सेंगोल की स्थापना की। पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सेंगोल की यहां पर स्थापना की गई। सेंगोल जिसका जिक्र और जिसका संदर्भ आधुनिक दौर से अगर देखा जाए तो भारत की आजादी से तो जुड़ता है ही, लेकिन इतिहास के पन्नों को और पीछे पलटा जाए तो इसकी पौराणिकता जो है चोल राजवंश से भी जुड़ती है। इसे राजाओं के राजदंड के तौर पर भी जाना जाता है और इस पल का जिक्र आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया। ये पल है सत्ता और संस्कृति के संगम का। 9 साल पहले की तरह ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के लोकतंत्र के मंदिर को साष्टांग प्रणाम करने की ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। पूरे विधि विधान के साथ सेंगोल को वैसे तो संसद के नए भवन में स्थापित कर दिया गया। इस ऐतिहासिक पल के मौके पर तमिलनाडु के सदियों पुराने मठ के आदिनम महंतों का आगमन उस परंपरा को फिर से सत्ता का खास अंग बनाने के लिए हुआ जिसका लेखा जोखा हमारी प्राचीन पद्धतियों में दर्ज हो रहा है और जो इस देश की विरासत रहा है। अथ देवता प्रार्थनं नमः शिवाभ्यां नव यौवनाभ्यां परस्परा श्रेष्ठ वपुर्थराभ्यां नगेन्द्र कन्या। यहाँ सेंगोल की बात हो रखी है जिसे प्राचीन काल से राजदंड के तौर पर जाना जाता रहा है। ये राजदंड सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं बल्कि राजा के सामने हमेशा न्यायशील बने रहने और प्रजा के लिए राज्य के प्रति समर्पित रहने के वचन का स्थिर प्रतीक भी रहा है। संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता है। शरीर पर केसरिया वस्त्र, माथे पर त्रिपुंड चंदन, गले में शैव परंपरा से जुड़ी मालाएं पहने संतों की उपस्थिति सत्ता और संस्कृति के संगम का प्रतीक बने। जिस सेंगोल का अपना एक अद्भुत इतिहास रहा है उस सेंगोल की संसद में स्थापना का ये पल विशेष था। हर बीतते वक्त के साथ ये तस्वीरें खुद इतिहास बना रही थी। देश जिसकी गरिमा पर गर्व महसूस कर रहा था। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहे। सेंगोल पर भगवान शंकर की सवारी नंदी की स्थापना का भी अपना एक अलग महत्व है। ये गोल मंच संसार का प्रतीक है। इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि संसार में फिर शांतिचित्त और कर्मशीलता ही सबसे ऊपर है। इसके अलावा इसी तरह इसमें अन्य धार्मिक प्रतीकों की नक्काशी भी की गई है। सेंगोल की लंबाई सभी नागरिकों के लिए एक समान को दर्शाती है।
इसमें जाति, वेशभाषा, धर्म पंथ के आधार पर कोई अंतर नहीं है। ये खास बात हमारे संविधान की प्रस्तावना का भी हिस्सा है। सेंगोल की स्थापना के साथ ही आजादी के बाद गुमनामी में खो गए उनके पुराने वैभव और सांस्कृतिक विरासत को फिर से एक पहचान मिली है। इससे पहले आधीनम ने अगस्त 1947 में कुछ लोगों के एक विशिष्ट समूह को दिल्ली भेजा था। जब अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण किया था, अब एक बार फिर से नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना को आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी माना जा रहा है। आजादी के अमृतकाल में देश को नई संसद मिली है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले नए भारत यानी देश की तरक्की के सुनहरे काल के नए आयाम इसी नई संसद से लिखे जाएंगे। देश की कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला लोकतंत्र का ये मंदिर आज सनातन परंपरा की गौरव गाथा भी बयां कर रहा है। लोकतंत्र का नया मंदिर अपने इतिहास को समेटे हुए है। इस भवन में भारतीय इतिहास और संस्कृति को कला के जरिए संजोया और पिरोया गया है। के साथ ही इस भवन में मॉडर्न दुनिया की टेक्नोलॉजी का भी बेहतर इस्तेमाल हुआ। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस नई संसद के सेंट्रल हॉल में खिली धूप का लुत्फ ले सकते हैं, साथ की ठंडक भी पा सकते हैं। इस अमृत काल का आह्वान है, मुक्त मातृभूमि को, नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। इनॉग्रेशन प्रोग्राम के दूसरे सेशन में नए भवन में सांसद और अतिथि मौजूद थे। इन्हें नई संसद के निर्माण और सेंगोल पर बनी फिल्म दिखाई गई। इस दौरान पीएम मोदी ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया। नई संसद के निर्माण को लेकर पीएम मोदी कई अहम बातें भी शेयर की। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से लेकर मौर्य कालीन स्तंभों और स्तूपों तक चोल शासकों के बनाए भव्य मंदिरों से लेकर जलाशयों और बड़े बांधों तक भारत का कौशल विश्व भर से आने वाले यात्रियों को हैरान कर देता था। लेकिन सैकड़ों साल की गुलामी ने हमसे हमारा ये गौरव छीन लिया। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। अमृतकाल में इस भवन का लोकार्पण होना ऐतिहासिक है, जिसे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज का दिन इतिहास के लिए मील का पत्थर है। देश के लिए बेहद खुशी की बात है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 2.5 साल से भी कम समय में एक नई आधुनिक संसद का निर्माण किया गया। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है।
नए संसद भवन का निर्माण दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था और करीब 2.5 साल के अंदर में पूरा हो गया, जो एक रिकॉर्ड उपलब्धि है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नए संसद भवन के निर्माण में 23 लाख रोजगार सृजित हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नई संसद नए भारत को आज समर्पित हो गई। जाहिर है अमृत काल में मिली नई संसद जब अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश करेगी तो भारत दुनिया का इतिहास लिख रहा होगा। इसी के साथ व्यक्ति विशेष नई संसद में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।